नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप सिंह, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, मिडलैंड हॉस्पिटल, महानगर, लखनऊ। आज वर्ल्ड किडनी डे है। हम हर वर्ष वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं मार्च माह के दूसरे गुरुवार को। इस वर्ष वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेशन का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी किडनीज को कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे हेल्दी रखना है और कैसे लोगों को जागरूक करना है कि उनकी किडनी सुरक्षित रहें। तीन बातें अति महत्वपूर्ण हैं जिनको पालन करना चाहिए। सबसे पहला, ओवर द काउंटर पेन किलर्स और हैवी एंटीबायोटिक्स का सेवन कम से कम करना चाहिए। ये किडनीज को नुकसान पहुंचाती हैं और इनसे किडनीज डैमेज होती है, तो ओवर द काउंटर पेन किलर्स और हैवी एंटीबायोटिक्स का सेवन प्रयोग बिना डॉक्टर सलाह के नहीं करना चाहिए। नंबर टू, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। डाइट में नमक की मात्रा कम रखें, वही उचित रहता है, और हैवी प्रोटीन्स का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर तीन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की दिक्कत है तो आप उसका रेगुलर चेकअप कराएं, उसको कंट्रोल करके रखें और रेगुलर दवा लेते रहें। किडनी डिजीज के कोई सिम्टम नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते। किडनी डिजीज को पता करने का तरीका सिर्फ एक है कि हम उसका रेगुलर चेकअप कराएं, स्क्रीनिंग करें। जो व्यक्ति भी 35 से 45 वर्ष के हैं या उससे अधिक के हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वो अपनी किडनीज का चेकअप कराएं। किडनीज के चेकअप कराने के तीन महत्वपूर्ण तरीके होते हैं, एक KFT टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, नंबर टू होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और नंबर तीन होता है अल्ट्रासाउंड। KFT में जो क्रिएटिनिन होता है वो हमेशा नहीं बढ़ता, वो बहुत लेट बढ़ता है, तब तक देर हो चुकी होती है। तो अगर आप किडनी का स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं, किडनीज का जांच कराना चाहते हैं, तो ये तीन टेस्ट कराइए जिससे कि आपकी किडनी संबंधित रोग है कि नहीं है वो पता लग सके। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो 35 से 45 वर्ष के बाद रेगुलर अंतराल पर साल में, वर्ष में एक बार चेकअप जरूर कराते रहें और अपने इस किडनीज का ध्यान रखें। बस करोगे थोड़ा सा एक पॉइंट, और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात, इग्नोर मत करिए, छोड़िए मत। अगर आपका क्रिएटिनिन 1.1 है या 1.2 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनीज ठीक है, नॉर्मल काम चल जाएगा। 1.1 1.2 क्रिएटिनिन का मतलब है आपकी किडनीज 20-30% डैमेज होना शुरू हो गए हैं। इसको अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से परामर्श लीजिए, इसको रोकने का तरीका शुरू करिए। आज इसको छोड़ देंगे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद ये 1.4, 1.62 पहुंच जाएगा, फिर बीमारी रुकना मुश्किल है। तो अगर आपको कभी किडनी क्रिएटिनिन की वैल्यूज 1.2 या 1.3 आती हैं, तुरंत जाकर डॉक्टर से सलाह लें और उसका इलाज कराएं। धन्यवाद।